देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में अच्छा मतदान हो और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बीती शाम इंदौर में चुनाव, मतदान और राष्ट्रहित विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम किया गया। शहर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में दयानंद स्कूल में हुए व्याख्यान कार्यक्रम में वक्ता हुकुम चंद सांवला एवं कृष्ण कुमार अष्ठाना ने व्याख्यान माला में अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान दोनों वक्ताओं ने मतदाता को जागरूक करते हुए कहा कि देश हित में सोच समझकर मतदान करें, केंद्र सरकार चुनने के लिए राष्ट्रहित के सभी पहलुओं पर ध्यान देवे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नरेश वंसनी, विनय पिंगले, संदीप भालेराव सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आगामी 19 मई को इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी मतदान होना है, जिसके चलते शहर में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजन तेजी से चल रहा है। आज मतदाता जागरण कार्यक्रम था। मतदान राष्ट्रहित में करना चाहिए और अनिवार्य रूप से जो भारत का नागरिक है उसने मतदान करना चाहिए। उनके बीच एक विषय था कि जब हम गाड़ी में पीछे बैठते हैं, जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक ड्राइवर ऐसा है जो सुविधा प्रदान करता है और एक ड्राइवर ऐसा है जो सुरक्षा प्रदान करता है। हमको कौन सा जीवन में ड्राइवर चाहिए, सुविधा प्रदान करने वाला या सुरक्षा प्रदान करने वाला? सभी ने मिलकर एक स्वर में कहा हमको सुरक्षा प्रदान करने वाला ड्राइवर चाहिए। संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे कि आज के व्याख्यान में जो वक्ता थे उन्होंने भी यही कहा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण है और किन बातों को ध्यान में रख के हमको मतदान करना चाहिए। ये केंद्र की सरकार चुनने के लिए मतदान किया जा रहा है, ये मेरे घर के बाहर की नाली ठीक कर दे, ऐसे पार्षद का चुनाव नहीं है। तो हमको प्रत्याशी के साथ में उस दल का भी ध्यान रखना है जो दल इस देश को संभाल सकता है। हमको सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा और विदेशी संबंधों में स्थिरता और मधुरता और स्पष्टता, दृढ़ता, ये जो दे सकता है, हमको उस सरकार को चुनना है।